వెల్కమ్ టు షా న్యూస్. నేను మీ రహీం. ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. भाई वो लालो ना जीत दे तो अगर चलो भैया रमानो तो रमानी को चीज तो मानो आप जानो वैसे रोज़ एक मिनट चलिए चलो चलिए और कौन आगे आइए थोड़ा आगे आइए आगे हम थोड़ा आगे आओ थोड़ा आगे आगे चलिए जाओ चलिए हेलो एक मिनट हेलो लेना सी ले चलिए 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 बस चलिए सुबह में उधर भी हाय चलिए चलिए थोड़ा वो दे रहे सो भी ले लो ना हेलो मालूम हो भाई दो हाथ से ले लो ना इधर ठीक है चलिए जाइए देखिए इधर इधर साहब को दुआ दीजिए नहीं नहीं अकबर साहब भिजा इधर इधर देखिए ना इधर दे इधर अन्ना को भी आना भाई हाँ रेडी आप इधर आओ इधर आओ भाई जो भी आना भाई एक मिनट ठहरो खाए ऐसा कुछ अहमद नहीं यार चलिए हाँ बोलो जरीना बोलो राशन की टेक हाथ में ले लो अब ये ले लो भाई चलो कहाँ मिस्टर इन्हें दर्रा खोल के दिया इधर देखो हम रमन दबो ना जा भैया आप जो भैया चलो बात पकड़ लो अच्छा पकड़ लो एक मिनट एक मिनट चलो भैया चलिए नंदनवनम टेलीफोन नंदनवनम में ये मेरा नाम संतोष है. मैं अकबर साहब को फ़ोन करके ये नंदनवनम है टीकेआर कॉलेज आगे है. मेरा नाम संतोष है. मैं अकबर साहब से मिला था और अजीम भाई से भी मिला आजम साहब से भी मिला. आजम साहब को जाके मैं रिक्वेस्ट करा यहाँ गरीब लोग आए थोड़ा बोल के ऐसा गरीब लोगों को मैं थोड़ा हेल्प करना चाह रहा हूँ बोल के बोलो तो उन्होंने पैकेज से मेरे को 20 पैकेट दिया. उसके साथ मैं 1,000 रुपये दिया अपनी तरफ से आपकी तरफ से दिए साहब मेरे तरफ से 1,000 रुपये दिए. ये राशन किट कौन दिए साहब आपको अकबर साहब के जरिए मिला है. आप क्या दिए साहब इसके साथ साथ मैं आप क्या मदद किए 1,000 रुपये मदद किया साहब किसको दिए साहब यहाँ पर राशन किट आप पूरे मुस्लिम लोगों कितने लोग रहते हैं यहाँ पर ये कोसी कॉलोनी है साहब ये नंदनवनम कॉलोनी. आपको कोई आके बोले थे ना आप मेरे को उन लोग पहचाना थे अच्छा बस्ती के ऐसा मैं करा अभी भी और कुछ करना चाहेंगे आप ऊपर वाला का ऐसा हुआ तो कर सकते हूँ बस मैं यहाँ पे है ना चिटिया वगैरह करती सुन रहे चिटिया वगैरह करती उन लोग है ना मेरे कस्टमर्स है. मैं हमारे इनको बोली उन लोग अभी आके मेरे से रिक्वेस्ट करे तो है ना मैं है ना हमारे शोहर को बोली तो है ना मैं ऐसा नहीं ऐसा करता हूँ बोल के बोले तो अकबर साहब के पास जाके इन्होंने रिक्वेस्ट पूरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक उनके पास ही रह के पूरा है ना ये किट का है ना सक्सेसफुली ये करे सबको. आपकी तरफ से भी कुछ दिए क्या हमारे शोहर की तरफ से 1,000 हम लोग पूरे लोग को 1,000 दिए एक किट 1,000 रुपये दिए बस. और कुछ बोलना चाहेंगे अकबर साहब को आप आजम साहब को अभी जो बैलेंस है ना नमस्ते बोल रहा हूँ अभी जो बैलेंस है ना उन लोगों के लिए भी थोड़ा मदद करे तो ईद तक है ना उन लोग अभी थोड़ा ये कर ये ईदी बाजार कारपोरेटर आजम साहब आपको दिए ईदी बाजार कारपोरेटर ललिता बाग सर आजम भाई ने मेरे को रिक्वेस्ट करो तो ये किताब उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप मेरा तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. ये उनके ही साथियाँ ये आजम साहब के साथियाँ ये आजम साहब की टीम है क्या ये हाँ आजम भाई इनको भी कुछ बोलना चाहेंगे आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मोहम्मद अहमद है. मैं नंदनवनम कॉलोनी टीकेआर कॉलेज के पास रहता हूँ. संतोष भाई और अकबर उसी साहब मेरे को बहुत मदद करे ऐसा राशन किट हमको जब से लॉकडाउन हुआ अब तक कोई मदद नहीं मिली. हम संतोष भाई को बोलते हैं संतोष भाई हमको बहुत मदद करे. अकबर उद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया. संतोष भाई का बहुत बहुत शुक्रिया. आजम भाई कॉर्पोरेटर आजम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया भाई.
आपको राशन किट पूरी मिल गई? जी भाई मिल गई। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर 400 लोग हैं भाई। कब बोले थे आप संतोष भाई को? ये 4-5 दिन हो रहा है। तो कब मिली आपको राशन किट? आज मिल गई। आज मिल गए, हो गया आपको राशन किट मिल गई। आप क्या बोलना चाहेंगे संतोष भाई को? बहुत बहुत शुक्रिया संतोष भाई का। संतोष भाई के वाइफ को क्या बोलना चाहेंगे? भाभी को बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अकबरुद्दीन भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आजम भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, और आगे की पब्लिक के लिए यहाँ के और भाई अपने पूरे भाई ब्रदरी अगर मदद करे तो बहुत अच्छी बात है। सब दिन दुआ देते हैं, रमजान का मौका है। अब अकबरवा साहब को और आजम भाई को दुआ लगती है अलग तरफ से, बोलते रमजान का मौका है, नेके कमाने का मौका है। यहाँ अभी तक कोई राशन किट लाके नहीं दिया? नहीं नहीं दिया। ये गवर्नमेंट अलाउड करी सो घर है ना? यहाँ से कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं? मुझसे यहाँ के कॉर्पोरेटर या इनके एमएलए से कोई मदद नहीं मिली भाई को। अल्लाह आपको, अल्लाह सेहत दे आपको, आपको अल्लाह अच्छा रखे भाई। अगर आके आप देख के मदद करें तो बहुत साथ हम पूरा बताएंगे। अब भाई देख सकते हैं आके, क्योंकि अब तक तो कोई मदद ही नहीं मिली। अकबर साहब से अब क्या चाह रहे हैं आप लोग पूरे एरिया वाले? मदद करे तो बहुत अच्छी बात है, और भी कर रहे हैं, उनको भी मदद मिले तो बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छी बात है, ठीक है। हम कॉलोनी में इधर आए हुए हैं, हमारे संतोष अन्ना ईदी बाजार के रहने वाले थे पहले, वहाँ से आप नुमाइंदगी करे आप अकबर साहब के यहाँ आए, और अकबर साहब ने हिदायत दी आजम साहब को, आजम साहब से मिले हमारे संतोष अन्ना। मिलने के बाद हम लोग ये बोले कि भाई यहाँ राशन, यहाँ जो मुस्लिम बस्ती है यहाँ पर नंदना वनम कॉलोनी के अंदर बहुत मुस्लिम बस्ती है, गरीब लोग हैं यहाँ पर, वो तकलीफ़ में थे। संतोष भाई उनकी मदद के लिए आए, अकबर साहब ने हिदायत दिया कि भाई जाकर लोग को 20-25 पैकेट आजम साहब के ज़रिए भेजा गया यहाँ पर। आजम साहब फिल वक्त दूसरी तरफ बिजी है, इस वजह से यहाँ कारपेंटर ललिता बाग आजम साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर आ नहीं सके। हम लोग को भेजे संतोष भाई के साथ कि भाई जाइए वहाँ कुछ गरीब लोग हैं देकर आइए। तो आप साथ ही साथ एक किट के ज़रिए संतोष भाई ने 1,000 रुपये अपनी तरफ से 1,000 रुपया पेश किया गरीब लोगों के लिए, 20 फैमिली के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, हम कोशिश करेंगे अकबर साहब के ज़रिए, हम जाएंगे हमारे एमएलए साहब को बोलेंगे कि भाई यहाँ गरीब लोग बहुत है, हमारे आजम साहब के साथ जाएंगे हम, और संतोष भाई को भी लेके जाएंगे साथ में, ले आएंगे इंशाल्लाह, मदद करेंगे हम। ये बस्ती के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं उसके लिए हम मदद ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह।